प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता है मोदी की सक्षियत की क्या क्या विपक्षी और विदेशी नेता सभी तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करने वालों में नया नाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी जुड़ गया है कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को दल से ऊपर उठकर सभी के हित में काम करने वाला नेता बताया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी उनके साथ भेदभाव नहीं किया है कमलनाथ ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की सब कमेटी में मुझे शामिल किया और इसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा तो अब आपको क्या लगता है कि इस तरह कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व तो बचा पाएगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें तो इससे पहले गुजरात में कांग्रेस की विधायक आशा पटेल ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी देश के गरीब वंचितों के विकास के लिए काम कर रहे हैं विदेश को जोड़ने का काम कर रहे हैं जबकि कांग्रेस समाज को तोड़ने का काम कर रही है ऊंजा विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशा पटेल ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां विभिन्न जातियों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश में जुटी हुई है दूसरी तरफ राहुल गांधी के बेहद करीबी कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की थी। पूर्व विदेश राज्य मंत्री थरूर ने अपने एक इंटरव्यू में सर्जिकल स्ट्राइक और डोकलाम विवाद जैसे विषयों पर पीएम मोदी की विशेष नीति की सराहना की थी थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में गतिशीलता लाई है विदेश नीति के प्रबंध में बहुत ऊर्जा और गतिशीलता है वह अथक यात्रा करते हैं और यह सबके लिए अच्छा है वह जहां भी जाते हैं बहुत ऊर्जावान प्रभाव बनाते हैं यह सकारात्मक पक्ष है डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह भारत की बड़ी जीत है कि चीन को 200 मीटर दूर जाना पड़ा उन्होंने कहा कि सितंबर 2016 में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी निष्प्रभावी आतंकवाद के लिए एक बड़ी जीत है तो आपने देखा कि राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता ही जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं इसलिए कांग्रेस का बेड़ा गर्क होने से अब कौन रोक सकता है भला आपका क्या कहना है इस ऐसे नेताओं के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जय हिंद जय भारत